हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मृति कुक फैन फिक्शन। व्हेन ही हैज सेक्स विद ए स्ट्रेंजर का पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हूँ। और एवरीवन, मुझे कौन से आदमी ने कमेंट किया था कि आपको ये सारे स्टोरीज को रोकना चाहिए, क्योंकि BTS RM कह रहा था कि आर्मी आप लोग सेंस हो गए हो और वो इस बात को पसंद नहीं करता है कि आप लोग FF बनाते हो। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि RM ने जो पोस्ट किया था वो खुद मैं भी एडिट किया हो, और मुझे नहीं लगता वहाँ पर RM ने एक भी शब्द तक ऐसा लिखा था कि आप लोगों को FF रीड करना बंद करना चाहिए था। RM ने बोला है कि आप लोग सेंस हो गए हो। इसके मेन रीज़न क्या कभी भी आप लोगों के दिमाग के अंदर गया भी है? जब BTS की कोई ना कोई मेंबर लाइव आता है तब आप लोग सिर्फ प्रपोजल से भर देते हो, और भी जब लाइव आया था इंस्टा पर 2 मिनट के लिए, तब बहुत सारा आर्मीज ने उसे प्रपोज किया था। और उसके साथ कोई ये कहता है कि मैं जेहोप की वाइफ हूँ, कोई कहता है मैं शुगा की वाइफ हूँ, मैं जिन की वाइफ हूँ, जिमिन की वाइफ हूँ, RM की वाइफ हूँ, ऐसा कहता है। तब उसे गुस्सा आ गया था कि हर वक्त सिर्फ प्रपोजल। इस वजह से तैंग खुद भी इरिटेट हो गया था, और उसने खुद कहा था कि आर्मीज आप लोग सेंस हो गए हो, तो फिर समझ सकते हो RM ने किस बारे में बातें कहा था। वो एक शब्द तक नहीं कहा है कि आप लोग FF क्यों बनाते हो, और हम लोगों को तेकुक अच्छा लगता है, इसी वजह से हम लोग तेकुक को बनाते हैं, और उसके साथ हम लोगों को रियल भी लगता है, इसी वजह से हम लोग उसकी शेप करते हैं। पर तुम लोग क्या ये कभी भी नोटिस किया हो कि कोई भी तेकुक जो फैन होता है वो नहीं कहता है कि वी गो एंड मैरी टू जंगकुक, ऐसा कोई भी नहीं कहता है, बल्कि वो लोग सिर्फ तेकुक कहते हैं, लव तेकुक कहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कहते हैं। ना तो वो लोग जंगकुक को फोर्स करते हैं, ना तो उसे कहता है कि जंगकुक गो एंड मैरी टू तेयोंग, गो एंड प्रपोज तेयोंग, ऐसा कुछ भी नहीं कहता है। सिर्फ वो लोग तेकुक को एक साथ देखना पसंद करते हैं। मुझे नहीं लगता कभी भी कोई भी तेकुक आर्मी ऐसा कहा है, क्योंकि वो लोग जानता है और जितने भी ज़्यादा उन लोगों के ऊपर 99% क्यों ना ट्रस्ट करे, पर वो लोग फ्यूचर के बारे में नहीं जानता है, और इस वजह से वो लोग कभी भी ऐसा नहीं कहते हैं। ना तो वो लोग जेनी के साथ तेयोंग की रिमोर्स के बारे में भी बातें करता है, क्योंकि उन लोगों को पसंद नहीं है, और इस वजह से वो लोग नहीं कहता है। पर कभी कभार जो ये आर्मीज जो होता है, कुछ लोग जो उल्टा ही बातों का कुछ उल्टा ही मीनिंग निकल कर दे देता है, और मैं इंस्टा पर भी देखा था, रील्स बना रहा है इस पर कि असल में आर्मीज आप लोगों को FF राइट करना बंद करना चाहिए, RM ने ये कहा है, RM ने वहाँ पर सब कहा था, हाँ ये सब यहाँ पर बहुत दिनों से मिलना नहीं हुआ है, आप लोग कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, इस प्रेजेंट के टाइम पर जिंदा रहने की कोशिश कर रही हूँ। मैं कौन हूँ? मैं ये और भी ज़्यादा जानने की कोशिश कर रही हूँ, आजकल डिस्कवरिंग कर रही हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है जो मैं बोलना चाहती हूँ, कुछ टाइम के अंदर ही भूल जाते हो। पूरे 10 ईयर हो गया है हमारी इस वर्ल्ड बाहर आया था। आप लोग क्या कभी भी सोचे भी हो कि ये ठीक है या फिर नहीं? मैं ऑलमोस्ट ही इस बारे में सोचती हूँ कभी कभार, बहुत ही ज़्यादा की रिवाज सो जाती हूँ, और बहुत ही ज़्यादा कभी कभार सैड, बहुत ही ज़्यादा मैं होप करती हूँ, कभी कभार बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाती हूँ। आपने क्या ये कभी भी टेस्ट किया है? अब क्या कर सकते हैं? अब क्या एक सीज़न है जो फील कर सकता है? मैं कुछ बार बोला हूँ मैं नहीं जानती हूँ, मेरी माउथ ओपन करने में मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है। बड़े होने के साथ साथ मैं ट्रस्ट करने लगी हूँ, मैं शांत होना सीख गई हूँ। बहुत कुछ खुश करने वाली और दुख करने वाली भी है। मैं खुश हूँ पर मैं दुख भी हूँ। मैं पहले बहुत ज़्यादा शाय पर्सन थी, मैं जो भी कुछ बोला था उसकी वीडियो देखने के बाद मैं याद नहीं कर पाते हूँ, ये दुख की बात है, और अब ये मेरी पूरी तरह से आदत हो गया है, ये बहुत ही ज़्यादा अब अद्भुत लगने लगा है। पर मैं अब कॉन्फिडेंट हूँ, और उसके साथ मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं ये अंदाज़ा लगा सकती हूँ मैं इसी तरह से रहना चाहती हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ पर मैं डरने लगी हूँ, वापस आने के बाद सब कुछ कैसा होगा? टाइम बहुत ही ज़्यादा जल्दी चला जाता है और सब कुछ बदल भी जाता है। मैं अब खुद को सेंस करने लगी हूँ इरिस्पॉन्सिबल तरीके से, आप लोगों से आप लोगों की सारे प्यार नहीं चाहती हूँ, मैं आप लोगों को अटक कर नहीं रखना चाहती हूँ, उसके बदले मैं अब प्यार की खोज करना चाहती हूँ। अगर मैं प्यार के साथ रहने लगी, अगर आप एक टेम्पल बना लेंगे, वो भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क की वजह से, मैं ये टेस्ट करना चाहती हूँ, प्यार जल्द ही आएगा, वो भी
एकदम नॉर्मल तरीके से ये पूरे 10 ईयर की हम लोगों की एनिवर्सरी है। मैं मेरी दिल से ये अंदाज करती हूँ, इसलिए हम लोग अब कितनी बड़े हैं। मैं एवरी डे आप लोगों को शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि आप लोग मेरी हिस्सा क्या था, ये आप लोग मुझे हर वक्त याद दिला दिया है। मैं ये जानती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड टाइम आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा दुख के टाइम आने वाला है जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड करेगा, पर आप लोग खुद का ख्याल रखना। मैं टाइम के साथ और भी ज़्यादा क्यूरियस रहूँगी। मेरी ये राइट और इस लेटर को मैं मेरी प्यार के पास इसे पहुँचा रही हूँ, मैं यही सोचती हूँ। और इस बारिश में पूरी तरह से सावधानी से रहना, नहीं तो आप लोगों को फ्लू हो जाएगा। और बहुत ही ज़्यादा सावधानी से रहना, आप लोग जब भूल जाते हो कि मैं फिर वापस आऊँगी वो भी पूरी तरह से ठीक ठाक होकर, तो फिर खुद की ख्याल रखना। और यहाँ पर ही आर्यम ने ये बातें कहा था, आई नो कि मैं सही तरीके से नहीं कह पाई हूँ, पर मैं मेरी 100% से ट्राई किया हूँ कि मैं सही तरीके से कह पाऊँ। और मैं अगर इंग्लिश में बोलती तो फिर कुछ लोग को समझ में नहीं आती, पर मैं हिंदी में ट्राई किया हूँ। मैं शायद आप लोगों की पूरे 6 मिनट बर्बाद कर दिया हूँ, पर ये इम्पॉर्टेंट था क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता कि आर्यम ने कहीं भी ऐसा कुछ भी कहा है जिस वजह से सब लोग कह रहे हैं कि एफएफ को राइट करना बंद करो। ये हम लोगों की खुशी है जो हम लोग इमेजिनेशन करके खुश रह पाते हैं, और इस बारे में किसी और आर्मीज को सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग उन लोगों को कभी भी फोर्स नहीं करते कि आप लोगों को एक साथ ही रहना है। नामजिन को एक साथ रहना है, योनमिन को एक साथ रहना है, तेकुक को एक साथ रहना है, हम लोग कभी भी उन लोगों को फोर्स नहीं कर रहे हैं जैसा सिंगल आर्मीज फोर्स कर रहे हैं उन लोगों से मैरी करने के लिए। तो फिर अब समझ सकते हैं कौन लोग फोर्स कर रहा है, तो फिर आर्यम यहाँ पर कौन लोगों को बोलना चाहता था वो अपने आप ही समझ जाएगा। मैं किसी को भी गलत नहीं कह रही हूँ, सबके सोच अलग अलग होता है और इस बस सब लोग अलग अलग सोचता है। तो फिर चलिए अब मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे सुबह के 7 बजे तांग की फ़ोन रिंग होने लगता है। तब तांग जो फ़ोन को उठा लेता है और अपने स्लीपी वॉइस में कहता है, कौन है जो मुझे सुबह सुबह डिस्टर्ब कर रहा है। तब दूसरी तरफ से जंगकुक अपनी कोल वॉइस में कहता है, अगर तुम अच्छा चाहते हो तो फिर जल्दी से नींद से उठो और जल्दी से कंपनी में आ जाओ। तुम जानते हो सुबह के 7 बज गया है और तुम्हें 8 के अंदर कंपनी के अंदर आना है। आज सुबह एक मीटिंग है। मैं क्या तुम्हें ये पूरी तरह से नहीं बोला था कि मुझे सही टाइम पर वर्क करना पसंद है और उसके साथ हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करना है, पर तुम जो वहाँ पर सो रहे हो जल्दी से आ जाओ। पर जंगकुक ये कहकर कॉल को कट कर देता है। तब तांग जंगकुक की इतनी ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जल्दी से बेड से उठ जाता है और जल्दी जल्दी से तांग फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। और फ्रेश होने के बाद जब बाथरूम से बाहर आता है तब वो जल्दबाजी में रेडी होकर नीचे चला जाता है। तब उसके मॉम तांग को इतनी ज़्यादा सुबह सुबह उठकर देखकर कहते हैं, तांग तुम इतनी जल्दी। तब तांग कहते हैं, मॉम मुझे बॉस मार डालेगा अगर मैं अभी नहीं गया। तब मिसेस किम एक लंबा सांस लेता है और कहते हैं, तुम अगर खुद की कंपनी को ज्वाइन करते तो फिर ये अच्छा होता ना। तब तांग कहते हैं, पर मॉम अब जानते हैं कि मैं उस कंपनी में कब से ज्वाइन देने की कोशिश कर रहा था। मैं उस जून जंगकुक से कुछ सीखना चाहती हूँ, इसी वजह से मैं उस कंपनी में हर टाइम ज्वाइन देने की हर एक तरीका ढूंढा हूँ और मुझे अब मिल गया है, तो फिर मैं कैसे कर सकती हूँ। मैं अभी उसकी तरह टॉप 1 पर रहना चाहती हूँ। तब मिसेस किम कहते हैं, जो मर्जी हो करो, तुम देखना एक दिन इसके लिए रिग्रेट करोगे। तुम खुद की कंपनी को ज्वाइन ना देते हुए दूसरे की कंपनी में ज्वाइन देते हो। तब मिस्टर किम कहते हैं, वो तो सही कर रहा है ताकि उसे कुछ नॉलेज मिल जाए जून जंगकुक से। तब ये सुनने के बाद मिसेस किम कहते हैं, तुम दोनों तो मेरी तरफ ही ऐसे देखो, अब जल्दी से जाओ तांग। तब तांग जो स्माइल करके जल्दी से वहाँ से चला जाता है, पर उसे भूख भी लग गया था कि वो अब तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। फिर तांग जब 1 घंटे बाद कंपनी में पहुँचता है तब वो बार बार अपनी वॉच की तरफ देख रहा था और वो दौड़ते हुए सीधा लिफ्ट के अंदर चला जाता है और वेट करने लगता है कब लिफ्ट ओपन होगा। पर लिफ्ट भी जो ओपन होने में टाइम लगा रहा था। तब तांग दौड़ते हुए सीढ़ियों से ही जल्दी से जंगकुक की फ्लोर पर पहुंच जाता है। वो पूरे 10 फ्लोर तक दौड़ते हुए आने की वजह से पूरी तरह से टायर्ड हो गया था। फिर तांग जो बहुत हीवली ब्रीथ लेते हुए सीधा जंगकुक की केबिन के अंदर चला जाता है। तब जंगकुक तांग की तरफ देखता है जो बहुत ही ज़्यादा हीवली ब्रीथ ले रहा था और पूरी तरह से स्वेट से भर गया था। तब जंगकुक गुस्से से अपने कोल वॉइस में कहते हैं, ये सब कुछ क्या है, तुम इतनी ज़्यादा स्वेट से क्यों भरे हुए हो और तुम क्या परमिशन लेना नहीं जानते हो, तुम्हें परमिशन लेना चाहिए था। तब
टंग ही बिली ब्रीथ लेते हुए कहे थे, पर मैं बहुत ही ज्यादा तभी जंग को गुस्से से कहे थे, क्या बहुत ज्यादा, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे अभी पता नहीं किसके साथ इंटीमेट होकर उठकर आए हो। तबीर सुनने के बाद टंग की और पूरी तरह से रेड हो जाता है और कहे थे, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। तब जंग को गुस्से से कहे थे, अगर तुम स्ट्रेंजर के साथ इंटीमेट हो सकते हो तो फिर और किसी के साथ क्यों नहीं हो सकते हो, मुझे ये तुम्हारी पर्सनैलिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, मैं दूसरी बार तुम्हें इस हालत में बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते हो, कभी खुद की तरफ देखे बे हो, पूरे तरह से ऐसा लग रहे हो जैसे बाथरूम से बाहर निकल कर आए हो। तब तांग एक लंबा सांस सुनता है और अपने धीमी आवाज़ में कहते हैं, मैं सीढ़ियों से दौड़ कर आई हूँ। तब ये सुनने के बाद जंगुक सिर्फ उसकी तरफ ही घूमने लगता है, फिर उसे फिर से अपनी कोल वॉइस में कहते हैं, मेरी कंपनी में लिफ्ट है, मेरी कंपनी कोई पॉल कंपनी नहीं है जहाँ से तुम्हें सीढ़ियों से दौड़ कर आना पड़ेगा। तब टांग कहते हैं, पर वो ओपन होने में टाइम लगा रहा था और तुम मुझे फोर्स कर रहे थे। तब जंगुक अपने आइस को रोल कर लेता है और कहते हैं, मैं कहाँ पर फोर्स कर रहा था, बेड पर। तब टांग ये सुनने के बाद इरिटेट हो जाता है और कहता है, तुम हर वक्त क्यों बेड को बीच में लेकर आते हो। तब जंगुक कहते हैं, क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लगता है, तुम एवरी नाइट किसी न किसी स्ट्रेंजर के साथ होते हो। तब तंग अपने मन में कहते हैं, उसे तो याद नहीं था तो फिर वो बार बार क्यों मुझे यही बात याद दिला रहा है। फिर तांग कहते हैं, ओके फाइन, जो मर्जी वो करो, मैं अब तुम्हारी जॉब को भी नहीं करूँगी अगर तुम ऐसे ही मेरे साथ बातें करने लगे तो, मैं कैसे तुम्हें ट्रस्ट दिलाऊँ कि मैं डर गई थी, मेरे पास दे है। तब जंगुक तांग को कॉन्टेक्ट पेपर देते हुए कहते हैं, इसे साइन करो। तब तांग कहते हैं, पर मीटिंग। तब जंगुक कहते हैं, पहली बात तुम इस हालत में मीटिंग में नहीं जा सकती और दूसरी मैं उसे ऑलरेडी पोस्टपोन कर दिया हूँ क्योंकि मैं जानती थी तुम लेट आओगे। तब ये सुनने के बाद तांग एक लंबा सांस लेकर जल्दी से जाकर जंगुक के सामने वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। तब तांग जो पेपर की तरफ ही देखने लगता है। तब जंगुक कहते हैं, अब उसे साइन करो। तब तांग कहते हैं, रीड तो करने दो। जंगुक अपने आइस को रोल करते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं और भी ज़्यादा कुछ रूल सेट करूँगी, मैं जो रूल कल कहा था मैं वही सबको सेट किया हूँ, अब तुम साइन करते हो, जल्दी करो। तो फिर तब तांग एक लंबा सांस छोड़ता है और पूरा पेपर बिना पढ़े ही उसे साइन कर देता है। तब जंगुक जो उसके फेस पर केवल स्माइल आ जाता है, फिर वो पेपर को ले लेता है और स्माइल करके कहते हैं, गुड जॉब तांग। तब तांग कहते हैं, मेरी तरफ तुम अचानक से ऐसा क्यों देख रहे हो। तब जंगुक कहते हैं, पहले एक गिलास पानी पी लो। और ये कहकर जंगुक तांग को पानी देता है। तब तांग जो जल्दबाजी में उसे पी लेता है, पर जंगुक तभी अचानक से तांग को कहते हैं, तो फिर तुम्हें कैसा लगा मेरी बेड पर मेरे नीचे रहने में। तब ये सुनने के बाद ही तांग पूरी तरह से शॉक हो जाता है और उसके पानी उसके गले में ही अटक जाता है और वो खांसने लगता है। तब जंगुक के देखने के बाद सिर्फ तांग की तरफ ही घूरने लगता है। तब तांग जो बिल्कुल भी सांस तक नहीं ले पा रहा था और जंगुक की तरफ देख रहा था, उसके आइस से ऑलमोस्ट आंसू भी निकलने लगा था। तब जंगुक कहता है, इतनी ज़्यादा शॉक लग गया है। तांग जब थोड़ा सा ठीक फील करता है तब उस जंगुक को कहता है, तुम्हें कैसे बातें कर रहे हो जंगुक। तब जंगुक कहता है, क्यों उस रात के बारे में याद नहीं है, तुम रोड पर खड़े थे और मैं तुम्हें लिफ्ट दिया था और उसके बाद तुम जो मेरे साथ इंटीमेट हुए थे, तुम्हें क्या ये याद नहीं है। तब तांग कहता है, पर तुम्हें याद नहीं था। तब जंगुक कहता है, मैं इतनी ज़्यादा इजीली कैसे बोल सकती हूँ, जो मेरे लिए बेस्ट था। तब तांग कहते हैं, पर मैं अब जॉब नहीं करूँगी, मैं अब जाना चाहती हूँ, मैं ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल भी जॉब नहीं करूँगी। तब जंगुक स्मार करके कहते हैं, पर बेबी डॉल तुम ऑलरेडी लेट कर लिया हो, तुम जानते हो ऑलरेडी कॉन्टैक्ट पेपर साइन हो गया है, पूरे 1 ईयर तक तुम्हें मेरे साथ रुकना होगा, या तो मैं कहूँ पूरे 3 ईयर क्योंकि मैं कॉन्टैक्ट में टाइम ज़्यादा कर दिया था। तब ये सुनने के बाद तांग पूरी तरह से शॉक हो जाता है और कहते हैं, क्या 3 ईयर। तब जंगुक कहते हैं, यस, और ये 3 ईयर तुम्हें मेरी सेक्रेटरी बनकर रहने की ज़रूरत नहीं है, पर तुम मेरी बेड को ऑन कर सकते हो जिससे मैं भी खुश रहूँगी, तुम भी खुश रहोगे। तब तांग ये सुनने के बाद पूरी तरह से शॉक हो जाता है और अपने मन में कहते हैं, व्हाट द हेल, मैं यहाँ पर मेरी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इससे चीज लेने के लिए आई थी, पर ये यहाँ पर मुझे खुद की बेड पर ले जाना चाहता है, तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर कुछ सीखने के लाया था ना तो यहाँ पर किसी के बेड को वार्म करने के लिए। तब जंगुक तांग की तरफ एक इविल स्माइल के साथ देखकर कहते हैं, बेबी डॉल
अगर अब तुम्हारी माउथ बंद हो गया है तो फिर मेरे पास आ जाओ, डैडी तुम्हें मिस कर रहा है। तब त्यांग जंगकुक की बातों को सुनकर अपने सेंस में आ जाता है और उसकी तरफ देखता है जिसके फेस पर एक ईविल स्माइल था। तब त्यांग कहता है मैं यहाँ से जा रही हूँ, और ये कहकर वो जाने की कोशिश करता है। तब जंगकुक कहता है गलत कदम उठा रही हो बेबी डॉल, अगर तुम यहाँ से जाओगे तो फिर तुम जानते हो इस कॉन्टैक्ट के रूल्स तोड़ने के बज से तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। तब त्यांग उसकी तरफ बिना मुड़े कहते हैं जो होगा होगा, मैं देख लूंगी। और ये कहकर त्यांग जो जाने ही वाला था और डोर को ओपन करने ही वाला था, तब जंगकुक त्यांग को कहते हैं तो फिर तुम्हें मुझसे शादी करना होगा, इस कॉन्टैक्ट में ये पूरी तरह से साफ साफ लिखा हुआ है, अगर तुम इस कॉन्टैक्ट को फॉलो नहीं करते हो तो फिर तुम्हें मुझसे शादी करना होगा, वो मजबूरन हो या तो ना हो। तब ये सुनने के बाद त्यांग पूरी तरह से शॉक हो जाता है और तुरंत पीछे की तरफ रन होता है। तब जंगकुक अपने कोल्ड फिस्ट के साथ कहते हैं हाँ इस कॉन्टैक्ट में पूरी तरह से साफ साफ लिखा हुआ है, अगर तुम मेरे साथ इस कॉन्टैक्ट पर बिल्कुल भी कम नहीं करोगे तो फिर तुम्हें ऑब्वियसली बात है तुम्हें मुझसे शादी करना होगा, और तुम होल लाइफ में कभी भी मुझसे डिवोर्स भी नहीं ले सकते हो जब तक कि मैं नहीं चाहते हो, चाहे मैं तुम्हारी लाइफ के साथ जो क्यों ना कर लूँ। तब ये सुनने के बाद तंग शौक होकर कहते हैं तुम मुझे धोखे से कॉन्टैक्ट साइन किया हो। तब जंगकुक कहते हैं तो फिर मैं क्या करूँ, ये मेरी तरीका है, तुम खुद अपनी मर्जी से उसे फुल रीड नहीं किया हो, मैं क्या कॉन्टैक्ट तुम्हारे हाथ में नहीं दिया था, तुम्हें हाफ किसने रीड करने के लिए कहा था। तब ये सुनने के बाद तंग कहते हैं पर तुम सच में मुझे धोखा दिया हो, तुम सच में ये कैसे कर सकते हो जेके। तब जंगकुक कहते हैं मैं ये कर सकती हूँ, और बेबी डॉल तुम्हें मुझे जेके कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे डैडी कह सकते हो। तब तंग इरिटेट होकर कहते हैं मैं सच में जा रही हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, मैं पुलिस के पास जाकर तुम्हारे नाम पर अब कंप्लेन करूँगी, और मैं पुलिस को ये ज़रूर बोलूँगी कि तुम मुझे धोखे से पेपर साइन कराए हो और उसके साथ तुम अब मुझे फोर्स भी करना चाहते हो। तब जंगकुक सिर्फ स्माइल करने लगता है, वो भी इविल स्माइल। तब ये देखने के बाद तंग इरिटेट होकर बाहर चला जाता है। तब जंगकुक एक इविल स्माइल के साथ उस पर करके क्या थे, अभी तो सिर्फ कॉन्टैक्ट साइन हुआ है और तुम देखोगे आगे और क्या क्या होता है। और ये कहकर जंगकुक जो सिर्फ ही इमेजिनेशन करने लगता है कि वो तंग को कब पूरी तरह से खुद के कंट्रोल में लेकर आएगा। दूसरी तरफ तंग बाहर जाने के बाद ही इतने ज़्यादा गुस्से में था कि वो अपनी टाई को उतारते हुए सीधा कंपनी से बाहर चला जाता है। तब बाहर जाने के टाइम सब लोग सिर्फ उसकी तरफ ही घूर रहा था कि पर्सन कुछ देर पहले ही दौड़ दौड़ कर कंपनी के अंदर जा रहा था और अब गुस्से गुस्से से बाहर निकल रहा है। फिर त्यांग जब बाहर जाता है तब वो जल्दी से अपनी कार को लेकर अपनी फ्रेंड के घर में चला जाता है। तब वो जब वहाँ पर जाता है तब वो सीधा जल्दी से जिमिन की घर की डोर को ओपन करके जब घर के अंदर जाता है तब वो जाकर देखता है जिमिन जो अपनी बॉयफ्रेंड के लैप पर बैठा हुआ था और वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली किस कर रहा था और जिमिन हाफ नेकेड था। तब ये देखने के बाद तंग अपने गले को सांप करते हुए अपने कोल बॉयज में क्या था तुम दोनों ही यहाँ पर ही रुक सकते हो। तब ये सुनने के बाद ही जिमिन और योंगी जो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और जल्दी से किस को ब्रेक करके तंग की तरफ देखता है और जिमिन जल्दबाजी में अपनी क्लोथ को ठीक करता है। तब त्यांग अपनी कूल वॉइस में कहते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। तब जिमिन अपने इसको रोल करते हुए कहते हैं दो बॉयफ्रेंड क्या करेगा। तब त्यांग कहते हैं जो भी हो तुम दोनों जो कर रहे थे मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम जानते हो मेरी लाइफ में क्या हो गया है। तब जिमिन और योंगी एक साथ कहते हैं क्या हुआ है। तब त्यांग उन दोनों के सामने बैठ जाता है और अपनी रेड फेस के साथ कहते हैं मुझे मेरी बॉस ने ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया है। तब ये सुनने के बाद जिमिन कहते हैं किस तरीके से। तब त्यांग कहते हैं किस तरीके से मतलब पहले तो मैं उसके साथ नाइस टर्न किया था और दूसरे अब वो मुझे इस बात पर ब्लैकमेल कर रहा है कि मुझे अब एवरीडे उसके साथ रहना होगा, वो भी उसके बेड को आम करने के लिए, और उसने मुझे धोखे से कॉन्टैक्ट भी साइन कराया है और मैं नहीं जानती थी कि उस कॉन्टैक्ट में ये सब कुछ लिखा होगा, मैं 3 साल तक उससे दूर नहीं जा सकती हूँ और अगर मैं इस कॉन्टैक्ट को तोड़ती हूँ तो फिर वो मुझसे शादी करेगा और ये मुझे मजबूरन करना होगा क्योंकि ये कॉन्टैक्ट पेपर में लिखा हुआ था और अगर मैं नहीं करती हूँ तो फिर मुझे फास्ट ऑप्शन चूज करना होगा। तब ये सुनने के बाद जिमिन कहते हैं तो फिर उसके हस्बैंड बन जाओ और डिवोर्स दे देना। तब ये सुनने के बाद तांग कहते हैं वो भी नहीं कर सकती क्योंकि
अगर मैं उससे शादी करूंगी तो फिर मैं कभी भी उससे डिवोर्स नहीं मांग सकती, सिर्फ वो खुद जब मुझसे मांगेगा तभी मैं दे सकती हूँ, वरना कभी भी नहीं। तब ये सुनने के बाद युंगी कहते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट किसने तुम्हारे साथ किया है? तब ताहोंग कहते हैं, जियोन जेके ने किया है। तब ये सुनने के बाद जिमिन जो एक्साइटेड होकर कहते हैं, ओ माय गॉड, वो बहुत ही ज़्यादा हॉट और हैंडसम है, तुम उसकी हॉट और हैंडसम फेस को देखकर भी उसे कैसे रिजेक्ट कर सकते हो? तब ये सुनने के बाद युंगी कहते हैं, जिमिन मैं यहाँ पर हूँ। तब जिमिन कहते हैं, हाँ मुझे पता है तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें मना नहीं कर रही हूँ, पर प्लीज़ ताहोंग तुम्हें उसकी उस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए। तब ये सुनने के बाद ताहोंग कहता है, मैं नहीं करना चाहती हूँ, एक प्राइवेट है, और तुम जानते हो वो जब भी मेरी तरफ घूरता है मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब जैसा फील होता है, जैसे मैं उसके सामने नेकेड हूँ, और मैं कैसे उसके साथ इंटीमेट हो सकती हूँ जब वो बेड पर एक बीट्स रहता है और मेरी बैक को पूरी तरह से तोड़ देगा। तब ये सुनने के बाद जिमिन जो हंसकर कहते हैं, ओ ताहोंग तुम जैसे बातें कर रहे हो, ये तो सब कुछ नॉर्मल ही है। तब ताहोंग कहते हैं, क्या नॉर्मल है, इतनी ज़्यादा पेन के साथ मैं कैसे चल पाऊँगी, और पूरे 3 ईयर तक मुझे इस पेन के साथ चलना होगा, इससे अच्छा तो मैं मर जाती। ये पूरी तरह से तरपा तरपा कर मरने के बारे में बातें हो रहा है। तब ये सुनने के बाद जिमिन हंसकर कहते हैं, ताहोंग तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक बार या तो 2 बार ही पेन होगा, उसके बाद तुम्हारी पेन कम हो जाएगा और तुम उसे सिर्फ इंजॉय करोगे। तब ताहोंग अपने आईब्रोज रेज करके जिमिन की तरफ ही घूमने लगते हैं। तब जिमिन कहते हैं, मुझे भी शुरुआत में ही ऐसा ही लगता था, पर देखो मैं युंगी के लिए इतनी ज़्यादा क्रेजी बन गई हूँ कि मैं क्या बोलूँ। तब युंगी कहते हैं, शेमलेस बातें करना बंद करो। तब जिमिन हंसकर कहते हैं, क्यों नहीं करूँ, और ये कहकर जिमिन जो फिर से हंसने लगता है। तब ताहोंग कहते हैं, मैं इरिटेटेड हूँ और तुम दोनों यहाँ पर अब जोक कर रहे हो। तब जिमिन इस बार सीरियस फेस के साथ कहते हैं, वो हिल की तरह एकदम हॉट सेक्सी है, तो फिर उसे मना क्यों कर रहे हो, जल्दी से जाओ और जाकर उसे एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो ये कॉन्ट्रैक्ट वो किसी और को कर देगा। तब ताहोंग कहते हैं, अगर कर देगा तो फिर मैं खुश होंगी, मैं वहाँ पर सिर्फ उससे कुछ सीखने के लिए गया था, तुम जानते हो मैं शुरुआत से ही उस सीक्रेट जियोन जेके की फैन थी, पर मुझे नहीं पता था कि ये जियोन जेके यही होगा। तब ये सुनने के बाद जिमिन हंसकर कहते हैं, तो फिर अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए, जिसकी तुम फैन थे, तुम पहले तो उसके साथ मिले, उसके साथ नाइट स्टैंड किए, अब देखो वो तुम्हें चाह भी रहा है, पर फिर भी तुम उसे मना कर रहे हो, ये किस तरह की फ़ैन की बातें हैं। तब ताहोंग कहते हैं, पर मैं सिर्फ उसकी वर्क की वजह से उसकी फ़ैन थी, ना कि उसकी उस हॉट सेक्सी बॉडी को देखकर। तब जिमिन उसे टीस करते हुए कहते हैं, तो फिर मानते हो वो हॉट और सेक्सी है? तब ताहोंग कहते हैं, चुप रहो बस, मुझे सिर्फ सॉल्यूशन दो कि मैं कैसे उससे बच सकती हूँ। तब जिमिन एक लंबा सांस सुर कर कहते हैं, अगर तुम इस दोनों कॉन्टेक्ट में से एक को भी नहीं करना चाहते हो तो फिर तुम एक कर सकते हो। तब ताहोंग कहते हैं, क्या? तब जिमिन कहते हैं, एक बॉयफ्रेंड बना लो और उसे दिखाओ कि तुम्हारी बॉयफ्रेंड है। तब ताहोंग कहते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा हुआ था कि मैं मेरी बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती, और अगर मेरी बॉयफ्रेंड या तो गर्लफ्रेंड रह भी जाता है तब भी मुझे ब्रेकअप करना होगा। तब जिमिन जो एक लंबा सांस सुनकर कहते हैं, ताहोंग गुड लक और एवरी नाइट वेडिंग नाइट की तरह मनाने के लिए। तब ये सुनने के बाद ताहोंग शौक होकर कहते हैं, किस बारे में बातें कर रहे हो तुम? तब जिमिन कहते हैं, हाँ मैं तो सही कह रही हूँ, अब एवरी नाइट अपनी सुहागरात मनाते रहना, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई भी ऑप्शन अब नहीं है, तुम्हें अब उसके साथ ही अपनी एवरी नाइट को सुहागरात बनाना होगा। तब ये सुनने के बाद ताहोंग जो रिटेड होकर कहते हैं, मुझे यहाँ पर आना ही गलती था, और ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तब ये देखने के बाद युंगी कहते हैं, मैं तुम्हारे शेमलेस की बातें बहुत टाइम से सुन रहे हो, तुम इतने ज़्यादा शेमलेस क्यों हो? तब जिमिन कहते हैं, मैं सीरियसली बातें कर रही हो, तुम क्या नहीं देखे हो कि सच में ताहोंग अब पूरी तरह से फंस गया है, काश कि मुझे भी तुम ऐसे ही ऑफर करते। तब ये सुनने के बाद युंगी कहते हैं, मैं तुम्हें ऑफर करूँ? तब जिमिन कहते हैं, हाँ और अगर मुझे वो जियोन जंग को ऑफर करते तो फिर मैं तो एक सेकंड के लिए ही राजी हो जाती, क्योंकि वो सच में हेल की तरह हॉट और सेक्सी है। तब युंगी गुस्से से जल्दी से जिमिन को तुरंत ही फोर्सफुली किस करने लगता है, और उसके लिप्स से जब तक ब्लड नहीं निकलता है तब तक उसे नहीं छोड़ता है। फिर जिमिन को जब युंगी छोड़ देता है तब वो अपने कोल वॉइस में कहते हैं, अब तुम्हें एक पनिशमेंट पाना चाहिए मेरे सामने दूसरों के बारे में बातें करने के लिए, और
एक आकर योंगी जो जिमिन को लेकर सीधा उन दोनों की बेडरूम की तरफ जाने लगता है। ताहोंग जो बहुत ही ज्यादा अब तक इरिटेटेड था, पर उसके फोन रिंग होने लगता है। तब ताहोंग जब अपने फोन को ओपन करता है तब देखता है अननोन नंबर से था। तब तंग इरिटेट होकर कॉल को उठा लेता है और अपनी इरिटेड वॉइस में क्या था कौन है। तब दूसरी तरफ से जंगकुक अपनी कॉल वॉइस में क्या था जल्दी से मेरे पास मिलने के लिए आ जाओ, मैं ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा हार्ड हूँ, तुम्हें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। तब ताहोंग क्या था मैं तुम्हारी कोई भी स्लट नहीं हूँ। तब जंगकुक क्या था मैं क्या कॉन्टैक्ट के बारे में अब सबको बोलूँ, और मैं क्या ये भी बोलूँ कि तुम कॉन्टैक्ट के रूल को तोड़ रहे हो, इसके बदले में अब तुम्हें मुझसे शादी करना होगा। तब ताहोंग इरिटेट होकर क्या था मैं आ रही हूँ, और ये कहकर तंग कॉल को कट कर देता है और गुस्से से अपनी कार को टर्न कर लेता है और वो फिर से जो जंगकुक की कंपनी की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ जंगकुक जो स्मार करता है और कहता है तुम्हें मैं थोड़ा सा फ्रीडम दूंगी और उसके बाद ही फिर से मेरे पास कैप्चर कर लूंगी, क्योंकि तुम्हारी लाइफ को मैं ऐसे ही कंट्रोल करने वाली हूँ और तुम सिर्फ मेरे साथ ऐसे ही रहने वाले हो। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो मुझसे शादी करो या तो एवरी नाइट मुझे सेटिस्फाइड करो, और मैं ये बात बहुत ही अच्छे तरह से जानते हो, अगर तुम मुझे एवरी नाइट सेटिस्फाइड करने लगे तो फिर तुम खुद मुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाओगे। और जंगकुक ये कहकर साइको स्माइल देने लगता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।